ग्रीष्म ऋतु आसिले पानी जल संकट अनेक अंचल दृश्यमान हुए। उपकूल ओडिशा पुरी जिलार अस्तरंग ब्लॉक अंतर्गत अनेक अंचल एभली पानी जल समस्या आज भी रही। अस्तरंग ब्लॉक कोरोना ग्राम से प्राय 30 कोटी परिवार टिके विशुद्ध पानी जल पाइबापाई आपणाई अभिनव प्रक्रिया जहाकु आमे विज्ञान रे परिश्रवण प्रक्रिया कही था। गोटे कि दुईटी परिवार नुहे ग्रामर समस्त परिवार ए परिश्रवण प्रक्रिया रे पिउछंती विशुद्ध जल। एमती पानी व्यवहार करुची पूरा आयरन पानी आउ छुआंक कपड़ा लता भी सफा करी आउ खाइबा तो भात पानी बसई थिवो से पानी पूरा लाल पड़ जाई थिवो से पानी भात पूरा भी लाल तापरे आमर तरकारी पत्र सब से कलर आउ नाही सबु कला कलर जदि गोटे पड़ज जो गंडा कदलटा आ तरकारी अवस्था नापर पानी तो एमती अवस्था आम तो पानी से पानी की पिंचु आ छुआ पा देह भी खराब होता फल कौन करू पा ब्लक भी बारंबार जा अभोग करम कथा कहीं शुणुना। तबे प्रथमे पानी गोटे पात्र रे रखुछंती आउ एक जार रे बाली गोड़ी रखी सेथिरे पानी भर्ती करा जाउची आउ उक्त जार रो तळे कोई छोटो होल करा जाय सेथिरे कुटा नचे छोटो नाळी लगा जाउची आउ सेई माध्यम रे विशुद्ध जल निष्कासन करी परिवार लोके ताकु ग्रहण करछंती। नाली पानी बाहरुची आ पानी रहिले रोसे से पानी किछि रोसे बास करि होउनी के कोनोसे व्यवहार करि होउनी एमती छाणी पिउचु यार प्रतिकार आम ब्लक जनइलु पीएचडी अफिस जनइलु किंतु किसी फल हलानी तापर से टैंकर जोगे पानी व्यवस्था कले से 15 दिन 20 दिन में थे आसब दब आई कौन आम सब दिन व्यवहार करूँ यार गोटे स्थायी प्रतिकार किसी गोटे नक आम प्रशासन पाखे अनुरोध करूँ यार गोटे किसी स्थायी प्रतिकार करूँ पाइप लाइन पड़ला 5 वर्ष होगा कि पाइप आसलानी वसुधा योजना बोर्ड मारिक कंट्राक्टर पैसा नहीं गले किंतु तार किसी सुफल लोक मैंने के ही पाई आमर एटी प्राय 100 टू अधिक लोक ये बास करु एमती अवस्था आम अच्छा पानी रे विभिन्न प्रकार रोग भी हो पा मैने झाड़ा बांती बारंबार मेडिकल ना पड़ी चर्म रोग भी होम सब असुविधा आम अच्छा पानी रे एते मात्रा रे आयरन होची जहाँ खाली आखिर न देखले कहीं वास्तव में विश्वास करें ना बजारु जिते लुगापटा किंचुंती सबु नष्ट हो जाउची हांडीशाला कथा कहिले न सरे सबु नाली घरर कांथ जेउठी पानी रो प्रभाव रहुची से स्थान पूरा नाली अनेक लोक जलकू पानी जल रूपे व्यवहार करथांती जहाँ फल अनेक रोग से पीड़ित होउछंती स्टोन झाड़ाबांति अनेक समस्या ग्राम रे देखिबा कुलुची जहाकु नै अनेक थर ब्लॉक प्रशासन निकट रे अभिजोग आनिले बि एपर्यंत कोनोसी समाधान होई पारुनी जी सदाले तो नाली एकदम लुगापटा जेमती ये होंजी आ हमको हे पाइप ये जे वसुधा देला लाइन किंतु पाइप पकेंदा बिल नै पळेला आ पानी फानी देबार नै 4-5 वर्ष होगा हाँ दबू कहते जिते मैंने नेता मैंने आसती इलेक्शन थब हाँ आम तुम ये वर्ष देदेव लाइन किंतु सेमती आईरन आपण मैंने तो देखुदेवे केमता पानी से पानी एम कहीं रोग बहुत गैस्ट्रिक ये हो पा छाणी बाली गोड़ी देक छणा हाब से टोपा टोपा गल आप तो देखु ना ये करके ये करू आ पा कहले आम दबू दबू बोल कि कौन सी नेता शुणुना आम कथा मसे दुमास खंडे देव पा ये दिने दे 2-4 दिन दौनी एमतिया ये अच्छी अच्छा एही परिस्थिति में प्रतिनिधि एक प्रामाणिक दृश्य देखाइबा रोसेई गृह एक पात्र जल को नहीं गरम करते आउ पानी फुटिबा परे संपूर्ण जल अचानक कला पड़गला आउ ए ग्रामवासी किपर जल रोसे करछन ता भाबिबा दुखदायक पानी सार आम जमा नहीं 15 दिन थे दौचे आम बहुत खुशामतरे आम पा चबा दौंती आम वर्षक 12 मास आईरन पा सी कहे आम 4 मास पा तुमको दिने छाड़ दिने दबू हेले दौंती या नवीन लोक दौंती कि आम को दौना मुदी लोक कहीं पा दौना आम 15 दिन है पा चवा पाऊना आम तो आईरन पा खाई चलो ए आम खाला अरे 20-30 वर्ष है आम गाँव रही गाँव रू उठिक आस घर करूँ आम गाँ पा भल आम ये पथर मुंजी आम रोच सब जगह आईरन पा छाणु बाली गोड़ी अंगार दे छाणी पिंचु पिंचु से रोसेवास कर देखु जो अवस्था है सरकार को तो आम अभोग कर सरकार आम पा शस्ता कर।
ସେପଟେ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ଟ୍ୟାପ୍ ଲଗାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଆସୁନି। ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ସପ୍ଲାଇ ଜଳ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଆସୁଛି ସେ ପୁଣି ମାସକୁ ଥରେ କି ଦୁଇ ଥର, ଯାହାକୁ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଗ୍ରାମରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ କିପରି ଆସିବ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକ କରୋନା ପଞ୍ଚାୟତର କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ଯେଉଁ ଅଭିନବ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ପାଇ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ କିପରି ପାଇବେ ତାହାକୁ ନେଇ ଆମେ ଆଜି ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ମଣ୍ଡଳ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲୁ। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବିଡ଼ିଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସହିତ କହିଥିଲେ, ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯିବେ ଏବଂ ସେଠି ଯାଞ୍ଚ କରିବେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେଠି ଆଇରନ୍ ପାଣି ଆସୁଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର କି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ସେଥିପାଇଁ ହେଉଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଘଟଣାର ଯାଞ୍ଚ କଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଡାକି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ କେବେ ବିଡ଼ିଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯାଇକରି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କିପରି ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ପାନୀୟ ପାଇପାରିବେ, ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କିପରି କରିବେ ତାହା ହିଁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଲା। ଅସ୍ତରଙ୍ଗରୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡ଼େ।